नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए लूसेंट जीके का पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। याद रखना, हमने आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के 5000 नए प्रश्नों का संग्रह तैयार कर रखा है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ही नहीं, एमटीएस, सीएसएल, रेलवे या फिर स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम है या सीटेट का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो जहां जीके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जेनेवा ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? क्या है जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा? तो उर्दू है जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उर्दू डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में, किसमें? समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ? वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ? तो आनंद मठ में प्रकाशित हुआ वंदे मातरम सर्वप्रथम, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आनंद मठ ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा? वास्तविक और उल्टा होता है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? कितने पिन जोन में विभाजित है भारत? तो कुल 9 पिन जोन में विभाजित है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 9। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? कहाँ? अंडमान द्वीप पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप पर, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अंडमान द्वीप बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो इंडोनेशिया की प्रमुख समाचार एजेंसी है अंतारा, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इंडोनेशिया डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है? जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है? तो स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है, स्पेन एवं मोरक्को के बीच स्थित है जिब्राल्टर जलडमरू, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, स्पेन एवं मोरक्को ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो हीरोज ने किया था 1857 के विद्रोह में, याद रखना, झांसी में सैनिकों का नेतृत्व, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सवाना घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है सवाना घास का मैदान, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अफ्रीका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक का संबंध किस राजवंश से है? किस वंश से है? तो मौर्य वंश से है अशोक का संबंध, किस राजवंश से? मौर्य वंश से, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मौर्य वंश। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है साधारण नमक का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो कृषि पर बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कृषि बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्र क्या होता है? ताप का एसआई मात्र क्या होता है? तो केल्विन होता है, ताप का एसआई मात्रक बी रहेगा राइट आंसर, केल्विन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? किसको दी गई थी प्राथमिकता? तो ये प्राथमिकता दी गई थी औद्योगिकरण को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो भी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों बाइबिल है ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बाइबिल। नेक्स्ट, बोल्शोविक क्रांति कहाँ पर हुई थी, तो रूस में हुई थी बोल्शोविक क्रांति, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रूस, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था, जॉन द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर, डी रहेगा राइट आंसर, जॉन द्वितीय, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है, तो बहिर्मंडल है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बहिर्मंडल, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वोल्ट, याद रखना। नेक्स्ट है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1992, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, तो भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है चैत्रा भूमि, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो मिस्र की गुप्तचर संस्था है मुखबरात, तो सी रहेगा राइट आंसर, मिस्र, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, किसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, बी रहेगा राइट आंसर, इल्तुतमिश, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आराम हराम है यह नारा किसका है, आराम हराम है यह किसका नारा है, तो जवाहरलाल नेहरू का ये नारा है, आराम हराम है, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाता है, कहाँ, खंबात की खाड़ी में बनाता है, खंबात की खाड़ी में बनाता है नर्मदा नदी, याद रखना कहाँ, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है नर्मदा नदी, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कहाँ, खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट है, सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है, तो गंगा नदी में आकर गिरती है सोन नदी, तो सी रहेगा राइट आंसर, गंगा। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है ताप्ती नदी, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट है, शिवाजी की माँ का नाम क्या था, क्या था, जीजीबाई नाम था, जीजीबाई नाम था शिवाजी की माँ का, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जीजीबाई, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है, कौन करता है कार्य, मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है, याद रखना, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों, तो सी रहेगा राइट आंसर, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो त्वचा का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, त्वचा का। नेक्स्ट देखिए फटाफट, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था अलबरूनी, तो सी रहेगा राइट आंसर, मोहम्मद गजनवी, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पांडवानी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है पांडवानी, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है, तो चौधरी चरण सिंह से है किसान घाट का संबंध, यानी ए रहेगा राइट आंसर, चौधरी चरण सिंह, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद कर कहाँ भेजा गया, तो
बहादुर शाह जफर दवित्ती को कहाँ भेजा गया था कैद करके? रंगून भेजा गया था। ठीक है, तो सी रहेगा राइट आंसर रंगून। नेक्स्ट है, प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है, जापान में स्थित है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जापान डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुँह से शुरू होता है, कहाँ से? मुँह से शुरू होता है भोजन का पाचन। तो डी रहेगा राइट आंसर, मुँह डी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है जोजिला दर्रा, यानी डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिक्किम डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? तो प्रगति का प्रतीक माना जाता है चक्र, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रगति बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध बी रहेगा राइट आंसर, हॉकी बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, सी रहेगा राइट आंसर, 1600 ईस्वी में सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है राइडर कप का संबंध, यानी ए रहेगा राइट आंसर, गोल्फ ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? तो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल है प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई, बी रहेगा राइट आंसर, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, दिल्ली ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है औरंगजेब का मकबरा? दौलताबाद में स्थित है, दौलताबाद में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दौलताबाद डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है शेरशाह का मकबरा, यानी सी रहेगा राइट आंसर, सासाराम सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे, पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक, तो बी रहेगा राइट आंसर, पतंजलि बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है तट मंदिर, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, महाबलीपुरम ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो आईएसआई पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है, तो सी रहेगा राइट आंसर, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो टीबी के बचाव के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हड़प नीति का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय हड़प नीति का संबंध है लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड डलहौजी से है राष्ट्रीय हड़प नीति का संबंध, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो यूनेस्को है शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाले संस्थान, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है विश्व की सबसे लंबी नहर, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्वेज नहर। नेक्स्ट है, डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया और टिटनेस के बचाव के लिए, ठीक है, तो बी रहेगा सॉरी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ए तथा बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट,
पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, किस सितार से है पंडित रविशंकर का संबंध? तो बी रहेगा राइट आंसर, सितार बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है, सऊदी अरब है तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सऊदी अरब सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 to 56, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 1951 से 56 था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन है? तो उच्च जन्म दर है, उच्च जन्म दर है भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारक, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, उच्च जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कंगारू। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है किसी, जिप्सम से प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जिप्सम से सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया के लेखक हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हैं इंटरनल इंडिया के लेखक, तो डी रहेगा राइट आंसर, इंदिरा गांधी डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मौसमाई गुफा कहाँ पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आता है मौसमाई गुफा कहाँ स्थित है, तो मेघालय में, मेघालय में स्थित है मौसमाई गुफा, यानी ए रहेगा राइट आंसर, मेघालय ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फारेनहाइट होता है? कितने डिग्री फारेनहाइट होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है शरीर का सामान्य तापक्रम, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का रंग पीला, याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में? राजस्थान राज्य में, सी रहेगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट है, राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, यानी बी रहेगा राइट आंसर, मेवाड़, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, पुणे में, यानी बी रहेगा राइट आंसर, पुणे में बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है मूल अधिकार का वर्णन, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 3 भाग 3। वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर है, तो सी रहेगा राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो पाली भाषा में किया गया, पाली भाषा में किया गया बौद्ध धर्म का प्रचार, सी रहेगा राइट आंसर, पाली भाषा सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? किस आयोग का? नानावती आयोग का गठन किया गया गोधरा कांड जांच के लिए, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, नानावती आयोग ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध, बी रहेगा राइट आंसर, दूध बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? कब हुआ था? 1001 में हुआ था महमूद गजनवी का भारत में प्रथम आक्रमण, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1001। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया भारतीय संविधान को, यानी बी रहेगा राइट आंसर, 26 नवंबर 1949
बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है, किसे? महात्मा गांधी से है वर्धा आंदोलन का संबंध, सी रहेगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी सौर मंडल की खोज, डी रहेगा राइट आंसर, कोपरनिकस। नेक्स्ट है, पास्कल किसका मात्रक है? किसका मात्रक है पास्कल? दाब का मात्रक है, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दाब। नेक्स्ट है, विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 17 मई को। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में, तो बी रहेगा राइट आंसर, गंगा भट्ट, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन? कुणाल बना था, कुणाल बना अशोक का उत्तराधिकारी, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कुणाल। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस टीटो है, डेनिस टीटो है विश्व का, डेनिस टीटो है विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, यानी बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टीपल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो हॉर्स रेसिंग से, हॉर्स रेसिंग से है स्टीपल शब्द का संबंध, तो डी रहेगा राइट आंसर, हॉर्स रेसिंग, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 61 ईस्वी पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो टिटिकाका झील किस पर्वतमाला पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर, तो सी रहेगा राइट आंसर, एंडीज पर्वत। नेक्स्ट, केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है, कहाँ है? एर्नाकुलम में है केरल राज्य का उच्च न्यायालय, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एर्नाकुलम, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, 12 जनवरी, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है जी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, तो सी रहेगा राइट आंसर, लद्दाख, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, तो बी रहेगा राइट आंसर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो सी हुआंग टी ने, सी हुआंग टी ने करवाया था चीन की दीवार का निर्माण, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सी हुआंग टी। नेक्स्ट, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला है द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक, तो डी रहेगा राइट आंसर, नेल्सन मंडेला, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, देहरादून। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।